यूपी का चुनावी संग्राम जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी रिश्ते टूटने व नए रिश्ते बनने का दौर तेज होता जा रहा है। किसी पार्टी से कोई नेता अलग हो रहा है तो कहीं गठबंधन कर चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत सिंह की मंगलवार को गठबंधन को लेकर घंटों बातचीत हुई। हालांकि इस मौके पर दोनों ने सीटों के बंटवारे पर पत्ते तो नहीं खोले, पर चर्चा ये है कि 36 सीटों पर मंथन हुआ, इनमें 30 सीटें रालोद के हिस्से में आ रही हैं, जबकि 6 सीटों पर रालोद और सपा के कार्यकर्ता सिंबल बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर अभी पेच फंसने की बात कही जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद का गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर महीनों से मशक्कत चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद अपना तगड़ा दावा पेश कर रही है। उधर अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा सारी सीटें रालोद को देने के मूड में नहीं है। उधर जयंत चौधरी का इन सीटों पर तगड़ा दावा है। उनका कहना है कि यहां पूरा समीकरण ही रालोद का है। वहीं मुलाकात के बाद दोनों ने ट्वीट कर एक साथ फोटो अपलोड कर सकारात्मक नतीजे की ओर इशारा किया। पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश संग उनके आवास पर लिया गया फोटो अपलोड करते हुए लिखा, बढ़ते कदम। कुछ देर बाद ही अखिलेश ने जयंत चौधरी से हाथ मिलाते हुए फोटो अपलोड किया और लिखा, जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। किसी भी चुनावी समर में गठबंधन होना तो आम बात है, लेकिन यूपी के चुनाव में इसका महत्व और बढ़ जाता है। अब देखना यह होगा कि यूपी की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करती है या नहीं। नेशनल डेस्क न्यूज लाइव,